नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्याज टमाटर की सब्जी कैसे बनती है। सच मानिएगा, बहुत कमाल की सब्जी बनती है, बशर्त कि उसको बनाने का तरीका आना चाहिए, उसका स्वाद कमाल है। तो आपको प्याज और टमाटर की सब्जी बनाने के लिए, अगर आपको आधा किलो सब्जी बनानी है तो पाव किलो प्याज ले लीजिएगा और पाव किलो टमाटर ले लीजिएगा। दोनों को अच्छे से साफ करके धो के काट लीजिएगा, बारीक बारीक कर अलग अलग प्लेट में आप काट के रख लीजिएगा। अब उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, वो चूल्हे पे, भट्टी पे, गैस पे, जिस पे आपकी सुविधा है आप उस पे रखिएगा, या पतीला हो आपके पास तो पतीला भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप तेल डालिएगा, आप डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ऑलिव ऑयल में डालना चाहते हैं, सरसों के तेल में बनाना चाहते हैं, देसी घी में बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर है। आप उसके अंदर तकरीबन 75 ग्राम तेल डाल दीजिए। अब डालने के बाद तेल उसके अंदर आप ऊपर से एक स्पून चम्मच जीरे का डाल दीजिएगा। अब उसको थोड़ा सा भुनने दीजिएगा। अब जो उसके साथ में आपने टमाटर और प्याज तो है, साथ में थोड़ा थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, इनके भी बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिएगा और उनको भी उसमें डाल दीजिएगा। अब ये इसको अच्छे से भून लीजिएगा और ये भूनते हुए इसके ऊपर एक चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा, इसमें एक चम्मच धनिया डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छे से भूनिएगा और ये जब भुनने लगे तो स्वादा अनुसार आपको लगता है इसमें आप नमक डालिएगा। डालने के बाद इसको हिलाइएगा और वो जो आइटम आपके पास है प्याज और टमाटर की, उसको सारे को डाल दीजिएगा और डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाइएगा। जब अच्छे से हिलाएंगे, इसको हिलाते रहिएगा, हिलाते रहिएगा, अच्छे आप देखिएगा पूरा मसाला इन सारी चीजों पर लग गया है। उसके बाद इसको ढक दीजिएगा और आंच को थोड़ा सा मध्यम कर दीजिएगा, थोड़ा कम कर दीजिएगा। अब इसको पकने दीजिएगा। जी हाँ, इसका स्वाद इसके पकने में है और इसको तकरीबन मान के चलिए कि 7 से 10 मिनट इसको पकने दीजिएगा। और जब पकेगा तो टमाटर बहुत बुरी तरह से गल के महीन हो जाएगा और प्याज जो है गल जाएगा। जब आपको लगे कि उसमें एक अजीब सी प्यारी सी सुगंध आ रही है, देन उसके बाद आप उसको ढक्कन को हटाइएगा और उसमें एक बेहतरीन सा गर्म मसाला, वो मसाला आप गरम मसाला किसी भी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी हो या घर में बनाया हुआ मसाला हो, वो गरम मसाला आप एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर बुरक दीजिएगा और उसको हिला दीजिएगा। और हिलाने के बाद ये बन गई आपकी आलू टमाटर की, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, ये बन गई आपकी प्याज और टमाटर की बेहतरीन सब्जी। आप इसको रोटी के साथ खाइए, आप इसको चावल के साथ खाइए, कमाल का टेस्ट है। बिना पानी की सूखी सब्जी है ये। इसके अंदर जो स्वाद है, इसके अंदर जो रस का लपेटमापन है, वो टमाटर ने और प्याज ने दोनों ने अपना पानी छोड़ा है और उसी की भाप के अंदर ये गली है। तो इसको बना के देखिएगा, इस स्वाद का आनंद लीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में। हमारा भी मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों की भलाई करें। विश्वास मानिएगा आप मेरा कि लोगों की भलाई करना मेरे जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। मैं मानव सेवा करना चाहता हूं, उस जरिए कर रहा हूं। तो अगर किसी से कोई भाई कोई गलती भी हो जाए तो माफ करना। बस हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपकी टिप्पणियां और शेयर का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस टमाटर प्याज की सब्जी को खाकर बनाइएगा, बनाकर खाइएगा और खुश रहिएगा और फिर बताइएगा कैसी बनी है ये सब्जी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।